नमस्कार दोस्तों। तो क्या आपको पता है Redmi Note 10 का एक और वेरिएंट बहुत ही जल्द इंडिया में आने वाला है और इस बार इसका नाम होगा Redmi Note 10 Lite Edition। तो इस वीडियो में देखेंगे जो Redmi Note 10 Lite, इसमें आपको एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगा, किस प्राइस पॉइंट में इंडिया पे लॉन्च होगा और जिस प्राइस पॉइंट में ये जो स्मार्टफोन लॉन्च होगा तो क्या आपको इसे लेना चाहिए या फिर इस प्राइस पॉइंट में अवेलेबल कोई दूसरा स्मार्टफोन लेना चाहिए, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल का सबसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा तो देखिए आज के जो वीडियो है शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो Redmi Note 10 Lite नाम का स्मार्टफोन आने वाला है इसका स्पेसिफिकेशन सुनकर आपको ये चीज लगेगा कि आपने पहले तो इसका स्पेसिफिकेशन कहीं ना कहीं तो सुना है। आप मुझे नीचे कमेंट में बताना कि वो कौन सा स्मार्टफोन है जिसका रिब्रांडेड वर्जन है Redmi Note 10 Lite होने वाला है। तो पहले तो हम बात करेंगे इसके डिजाइन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो Redmi Note 10 Lite वाला स्मार्टफोन दिखने में कुछ हद तक Redmi Note 10 के जैसा ही होगा और Redmi Note 10 में जैसा हमें मल्टीपल कलर मिलता है बिल्कुल सेम कलर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन का थिकनेस होगा 8.8 मिलीमीटर और इसका वेट होगा 209 ग्राम और इस स्मार्टफोन के पीछे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। इसके डिस्प्ले में आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले। इसके स्क्रीन पे कोई हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा। इसमें हमें मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। प्रोसेसर के मामले में आपको इसमें मिलेगा स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर जो कि पिछले साल Xiaomi ने बहुत बार अपने स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया है। कैमरे के मामले में आपको इसमें मिलेगा 48, 8, 5 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। बैटरी में आपको मिलेगा 5020 mAh बैटरी, उसके साथ आइदर 18 वाट या फिर 22.5 वाट का चार्जर और इसका जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा USB टाइप सी। कहा जा रही कि ये जो लाइट वाला स्मार्टफोन टोटल 3 वेरिएंट पे लॉन्च होगा, 464GB, 664GB और 6 120GB। इसका रैम का क्वालिटी होगा LPDDR4X और इसका मेमोरी का क्वालिटी होगा आइदर UFS 2.1 या फिर 2.2 और उसके साथ आपको 100% 2+1 कार्ड भी देखने को मिलेगा। अगर इसके कुछ बाकी के फीचर के बारे में बात करें तो आपके इसमें मिलेगा एंड्रॉयड 11, 3.5mm जैक होगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। तो अब जो सबसे मेन चीज, ये जो स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाला है, किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है, ये जो स्मार्टफोन ऑलरेडी सर्टिफिकेशन साइट में आ चुका है तो जितना मुझे लग रहा है इंडिया में इसका लॉन्च डेट हो सकता है सितंबर महीने के एकदम लास्ट वीक पे या फिर अक्टूबर के पहले एक या दो हफ्ते के अंदर। और अगर इसका लॉन्च डेट के बारे में बात करें, आप देखिए अभी Redmi Note 10 इसका बेस वेरिएंट का प्राइस इंडिया में 14,000 रुपये और क्योंकि ये जो नया वाला स्मार्टफोन इसका नाम ही है Redmi Note 10 Lite तो ऑब्वियसली ये जो स्मार्टफोन 13,000 से ज्यादा में तो लॉन्च होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, ये जो स्मार्टफोन दरअसल पिछले साल Xiaomi ने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था उसका ही रिब्रांडेड वर्जन होने वाला है। उसका जवाब है ये जो स्मार्टफोन पिछले साल जो लॉन्च हुआ था Redmi Note 10 Pro या फिर जिसे Poco ने बाद में कॉपी किया था Poco M2 Pro, उसका ही रिब्रांडेड वर्जन इस साल लॉन्च होने वाला है। तो मतलब पिछले साल का जो Redmi Note 10 Pro उसका स्पेसिफिकेशन, पिछले साल जो लॉन्च हुआ था Poco M2 Pro उसका स्पेसिफिकेशन और ये जो Redmi Note 10 Lite आने वाला है तीनों का स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली सेम है और तीनों ही स्मार्टफोन एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में अवेलेबल है। और रिसेंटली Xiaomi का ये बिजनेस टैक्टिक्स मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि सेम स्मार्टफोन को बार बार रिब्रांडेड करने का क्या फायदा। उसके बजाय मार्केट में बहुत सारे नया प्रोसेसर अवेलेबल है उसके जरिए कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है लेकिन बिल्कुल नहीं, सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आइदर Xiaomi या फिर Realme या फिर Poco कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च किया जा रहा है। वैसे अभी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि पिछले साल का Redmi Note 9 Pro जब वो रिब्रांडेड होगी Redmi Note 10 Lite नाम से इंडिया पे लॉन्च होगा और जब इसका प्राइस 13,000 के आसपास होगा तो क्या आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहेंगे या फिर इसे स्किप करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कमेंट में कहना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और हाँ एक चीज कह देता हूं, ये जो स्मार्टफोन है लॉन्च होने वाला है क्योंकि Realme बहुत ही जल्द सेम प्राइस पॉइंट में Realme 8i नाम का स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, उसके साथ ही कॉम्पीट करने के लिए ये लाइट वाला एडिशन लॉन्च किया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।